तो मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश के मन में मोदी वाले पोस्टर को लेकर पॉलिटिकल पंडित अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस भी जनता को गारंटी पर गारंटी दे रही है। आज भोपाल जिले की 7 विधानसभा सीटों में से एक बैरसिया सीट का सियासी समीकरण और सीट के चुनावी इतिहास पर शो के प्रोड्यूसर शुभम द्विवेदी ने एक खास रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं बैरसिया विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान और अतीत से जुड़ी कुछ रोचक और खास जानकारी। क्या सियासत है और क्या हकीकत, पब्लिक की पुकार है, सुनो तो सही। मध्य प्रदेश के चुनावी समर में ये लाइन बैरसिया विधानसभा सीट को लेकर एकदम सटीक बैठती है। ऐसी आरक्षित बैरसिया सीट भोपाल जिले की 7 सीटों में से एक है और ये भोपाल लोकसभा सीट का हिस्सा है। यहाँ से बीजेपी के विष्णु खत्री विधायक हैं। इस विधानसभा सीट की पहचान हेरिटेज से है। इसके अंतर्गत आने वाले स्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुरा करने पर भी सियासी गलियारों में खूब चर्चा हुई। वहीं बैरसिया विधानसभा के लोगों के लिए जो चुनावी मुद्दे हो सकते हैं, उसमें पीने के पानी की समस्या, सिंचाई के लिए बांध समेत अन्य किसानों की समस्या, बदहाल सड़कें, रोजगार के लिए उद्योग की कमी, बेरोजगारी, इलाज के लिए अस्पतालों की मांग और बेहतर शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग शामिल है। अब बैरसिया सीट के सियासी इतिहास पर एक नजर। मध्य प्रदेश के बनने के बाद 1957 में हुए चुनाव में कांग्रेस के भगवान सिंह जीते। वहीं हिंदुत्व की लहर में साल 1962 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के भैयालाल विधायक बने। इसके बाद जब जनसंघ बनी तो साल 1967 के चुनाव में लक्ष्मी नारायण शर्मा भी चुनाव जीत गए। आगामी चुनाव में लक्ष्मी नारायण शर्मा की जगह जनसंघ ने एक प्रत्याशी पर भरोसा जताया और साल 1972 में भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी गौरी शंकर कौशल भी जीतने में सफल रहे। एक बार फिर से बैरसिया में हिंदुत्व विचारधारा की लहर में साल 1977 में जब जनता पार्टी बनी तो गौरी शंकर कौशल पर पार्टी ने दोबारा विश्वास किया और वो चुनाव भी जीत गए। इसके बाद एक बार फिर से हिंदुत्ववादी विचारधारा वाली एक नई पार्टी बीजेपी का गठन हुआ। साल 1980 में बीजेपी ने लक्ष्मी नारायण शर्मा को प्रत्याशी बनाया। इसके बाद लक्ष्मी नारायण शर्मा ने लगातार 1993 तक यानी 4 बार बीजेपी के लिए जीत दर्ज की। साल 1998 में कांग्रेस के जोधाराम गुर्जर ने कांग्रेस की जीत का सूखा खत्म किया और अब तक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए आखिरी जीत हासिल की। साल 2003 में बीजेपी प्रत्याशी भक्तपाल सिंह चुनाव जीत गए। जब 2008 में बीजेपी ने एससी आरक्षित वर्ग के चलते ब्रह्मानंद रत्नाकर को पहली बार टिकट दिया, उन्होंने कांग्रेस के हीरालाल को 23,176 वोटों से हराया। इसके बाद भी साल 2013 में बीजेपी ने चेहरा बदलकर विष्णु खत्री को पहली बार टिकट दिया और उन्होंने कांग्रेस के महेश रत्नाकर को 29,304 वोटों से हराकर विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। इस चुनाव में तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी की अनीता अहिरवार को करीब 12,000 वोट मिले, जबकि चौथे नंबर पर नोटा रहा। इसके साथ ही साल 2018 में बीजेपी ने विष्णु खत्री पर फिर से भरोसा जताया। इस बार भी विष्णु खत्री कांग्रेस के जयश्री हरिकरण को हराकर विधायक बने, लेकिन उनकी लीड घटकर 13,779 ही रह गई। 100 चुनावी बाद की एक बात ये है कि इस सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 2 बार साल 1957 और साल 1998 में जीत दर्ज कर पाई। वहीं बीजेपी को कांग्रेस अब लगातार जीत का चौका लगाने से रोकने की कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि बैरसिया सीट पर पिछले 3 चुनाव में बीजेपी का कब्जा है। बतौर विधायक विष्णु खत्री साल 2013 साल 2018 के बाद जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो वहीं कांग्रेस की ओर से जयश्री हरिकरण, राम भाई मेहर और विनय मेहर के नाम पर भी क्षेत्र में चर्चा है। इलेक्शन डेस्क के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।